नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं दोस्तों BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड के ऊपर दोस्तों, जहां पे क्वार्टर फोर के नतीजे आए उसके बाद बहुत ही स्टॉक में गिरावट आई दोस्तों। यहां पे मैंने वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि ये जो लेवल है 78 का वो बहुत ही अहम रेजिस्टेंस है, अगर वो नहीं तोड़ पाता तो स्टॉक नीचे गिर सकता है दोस्तों। और रिजल्ट खराब रहा दोस्तों, स्टॉक नीचे ओपन हुआ और दोस्तों यहाँ से बाउंस बैक भी हुआ दोस्तों। ये क्यों हुआ और क्या रीज़न है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये जो दो ब्लू लाइन है, अगर आप मेरे वीडियो में पहले से नहीं है तो ये लाइन का इम्पोर्टेंस क्या है वो भी बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों, रिजल्ट क्वार्टर फोर का आया तो ऐसा क्या हड़कंप मच चुका है स्टॉक में, आगे क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और दोस्तों ब्रोकरेज क्यों इतना नेगेटिव हो चुके हैं इस स्टॉक के ऊपर दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन के ऊपर, जहां पे गोल्डमैन सैक्स जो FII यानी कि जो फॉरेन ब्रोकरेज है वो दोस्तों 76 रुपीज का जो प्राइस था जब क्लोजिंग आया तब, टारगेट 23 का दोस्तों दे दिया है उन्होंने। 23 रुपीज जा सकता है और उनका ये बोलना है कि बहुत ही रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग करने वाला था और रिपोर्टेड लॉसेस बहुत ही ज़्यादा था, 1000 करोड़। और उनका ये बोलना है कि इवन 2022 में भी वो ये कंपनी प्रॉफिट जनरेट नहीं करेंगी दोस्तों। CLSA की अगर बात की जाए तो CLSA का भी सेम बोलना है, उन्होंने टारगेट 40 का रखा है। क्वार्टर फोर वीक है, एवरीबडी नो दैट, क्लीन अप इट्स बैलेंस शीट विथ 1800 करोड़ प्रोविजन्स दोस्तों। डिस इन्वेस्टमेंट का जो है वो भी अभी कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। CLSA तो ठीक है दोस्तों, जो अपने देश के ब्रोकर है कोटक सिक्योरिटी है, उन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट ने भी 34 का टारगेट रखा है दोस्तों। सबका रिजल्ट एक ही है कि जो वर्किंग कैपिटल है और बाकी जो प्रॉब्लम्स है वो वहीं के वहीं है, कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है। मोतीलाल ओसवाल, उन्होंने 40 का टारगेट दिया है दोस्तों, और इन्होंने जो टारगेट दिया है ICICI सिक्योरिटी ने भी 40 का दिया है दोस्तों। अब सीधा चार्ट के ऊपर दोबारा चलते हैं दोस्तों। मैंने आपको पहले बताया कि डेली चार्ट है दोस्तों, यहाँ पे ब्लू लाइन जो ड्रॉ की है उसको थोड़ा गौर करके आप देख लीजिए, यही ब्लू लाइन थी जहाँ पे स्टॉक ने रेजिस्टेंस के तौर पर मार्च 2019 में रिस्पेक्ट किया था और वो ये यहाँ पे भी दिया, ठीक है दोस्तों। अब ये हुआ डेली चार्ट के ऊपर की बात, अब हम वीकली चार्ट के ऊपर चले जाते हैं और इस स्टॉक का हिस्ट्री बता देता हूँ मैं आपको दोस्तों, कि मैंने चैनल के ऊपर मैंने ये स्टॉक को पहले रेकमेंड तब किया था जब ये स्टॉक में ये जो आप लाइन देख रहे हैं 42 रुपीज़ का, वहाँ पे ब्रेकआउट आया था। यहाँ पे दोस्तों बहुत ही तगड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया, हमने एंट्री ले ली और हमें काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिला, फिर वापस आया, फिर ऊपर गया। यहाँ पे मैंने दोबारा बाय करने को बोला था, क्या क्यों बोला था दोस्तों, मल्टीपल रेजिस्टेंस था और उसको तोड़ के स्टॉक टूटा था, तो इतना इजीली नहीं टूटता है कभी भी, कोई भी स्टॉक का आप रेजिस्टेंस देखोगे नहीं टूटेगा। दूसरा 57 का ये जो है दोस्तों, ये लेवल क्यों डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, उल्टी कहानी क्यों शुरू कर रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा, मैं आता हूँ उसके ऊपर। यहाँ पे आप देखोगे कि 57 के आसपास का जो लेवल है, यहाँ पे देखो मल्टीपल रेजिस्टेंस है दोस्तों, एक एक वीक का एक कैंडल है, पूरा एक एक महीना वही कैंडल वही लेवल को रिस्पेक्ट करते स्टॉक नीचे आता है दोस्तों। यहाँ पे वो क्लोज दिया और भाग गया, यहाँ पे रुका और वापस आ गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्यों रुक गया मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरुआत में, मैं आपको बताऊँ क्यों रुक गया दोस्तों। हम स्टॉक कितना गिर सकता है इसके लिए दोस्तों एक ही टूल यूज करते हैं अपने चैनल के ऊपर, एक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और दूसरा टूल से दोस्तों रिट्रेसमेंट। दोस्तों रिट्रेसमेंट ये गलत आया है, मैं खींच के भी दोबारा आपके लिए ले लेके आता हूँ दोस्तों। ये रहा हमारा रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट कैसे होता है दोस्तों, स्विंग लो, ये हमारा 18 रुपीज़ का स्विंग लो है और स्विंग हाई जो हमारा रिसेंट जो हाई बना है वहाँ पे है, आप देख सकते हैं क्लियरली 23.6% का रिट्रेसमेंट 65 रुपीज़ के आसपास आया है। तो दोस्तों वहाँ से दोस्तों स्टॉक ने रिस्पेक्ट दिया और ऊपर चला गया। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरा रिट्रेसमेंट, 38.2% का रिट्रेसमेंट है, वो हमारा जो रजिस्टेंस लेवल है दोस्तों, जो आप देख सकते हैं जो पहले रेजिस्टेंस लेवल था वो अब जाहिर सी बात है कि वो सपोर्ट लेवल बन चुका है, तो वही लेवल बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है क्योंकि पहले भी था वो लेवल बहुत ही स्ट्रांग दोस्तों। और उसी की वजह से दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये लेवल को जल्दी नहीं तोड़ पाना चाहिए 57 का। अगर ये स्टॉक में 57 का लेवल तोड़ देता है, 56 का लेवल टूट जाता है ये दोनों लेवल, तो दोस्तों मेरी मानिए कि इसमें जो 23 और 40 के टारगेट लिखे हैं वो जरूर से आ जाएंगे,
क्यों? क्योंकि दोस्तों उसके बाद का जो आप आपको चार्ट के ऊपर दिख रहा है ना कि ब्रोकरेज ने क्यों 40 रुपये का टारगेट दिया है, क्योंकि उनको भी पता है ना दोस्तों यहाँ पे आप ये लो चेक करेंगे तो 41 का है, तो 42.50 का जो ब्रेकआउट लेवल था तो वहां से 2 रुपीस इंट्राडे में नीचे जा सकता है दोस्तों स्टॉक। तो ये जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 58 का, इसको सपोर्ट लेके स्टॉक जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे ही स्टॉक ने इंडिकेशन दिखा दिया है, स्ट्रांग मूवमेंट आया है, तो अभी ये लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है 65 का। अगर आप इंट्राडे या पोजिशनल कर रहे हो तो आपको 65 का स्टॉप लॉस रखना है। बट दोस्तों आप देखोगे कि यहाँ पे जो 78.9 का रेजिस्टेंस है वो बहुत ही स्ट्रांग है, तो उसको भी नहीं तोड़ पाएगा दोस्तों। तो पॉसिबिलिटी ये है कि कॉन्सोलिडेट ज़्यादा होगा यही रेंज में, जो मेरे को लग रहा है 58 से लेके 78.9 का रेंज है वहीं पे दोस्तों घूमेगा, और कहीं पे भी तोड़ के आगे पीछे मूवमेंट होने के चांसेस है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे हमने स्नोमैन लॉजिस्टिक में जो स्विंग ट्रेडिंग के जरिए कमाया था, तो वैसा कर सकते हैं, जैसे लेवल के आस पाए उसको बाय करो और उसके ऊपर जाए तो वहां पे सेल करना है दोस्तों। जब तक ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक स्विंग ट्रेडिंग के जरिए इसमें पैसा बना सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये सारा मेरा पर्सनल व्यू है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।